कौन कौन सी बीमारियों का खतरा ज़्यादा है और इसके क्या कारण? इस समय जो टेम्परेचर का तरीका है, तापमान का जो है, वो गर्मी भी है, बहुत गर्मी नहीं है, हल्की सी ठंडक भी रात में होती है। तो इन दिनों जो है मेनली दो तरह की बीमारियाँ जाता हैं। एक तो वायरल एक्टिवेट होता है जिसमें कि कोविड भी शामिल है, हमारा इन्फ्लुएंजा भी है, स्वाइन फ्लू भी शामिल है, भी खतरे हैं। दूसरा इसमें ये है कि खाना पीने की खराबी होने शुरू होने से जो डायरिया और पीलिया और हैजा है, इनका खतरा भी ज़्यादा बढ़ा हुआ, डायरिया किस आने शुरू हो गए हैं। तीसरा ये है कि जो गर्मी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, तो गर्मी के ज़्यादा देर एक्सपोजर से हीट स्ट्रोक और हाइपरथर्मिया, डिहाइड्रेशन, ये सब भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो इसमें सामान्य बचाव में ये है कि खाने पीने का ध्यान रखें, ताज़े खाना खाएं, गर्मी से अपने को बचाएं, पानी पीते रहें एक्स्ट्रा, अपनी जो बीमारियां उन पर केयर ज़्यादा करते रहें, उसमें डिहाइड्रेशन का जिन नमूने दें, पानी का, इलेक्ट्रॉल का या जूस का या जो भी तरीका हो लिक्विड पीने का, मठा भी अच्छी चीज़ है, उसका सेवन करते रहें। मच्छरों से प्रॉपर बचाव करने के लिए वही तरीके हैं, पानी का जल घबराव नहीं होना चाहिए, मच्छरदानी का यूज़ करें, तमाम सारे केमिकल होते हैं रिपेलेंट का यूज़ करें, और जैसे ही बीमारी को लगे तुरंत जांच करें। वायरल बीमारियों में जो है जैसे कि गला खराब भी होता है और निमोनिया भी होता है, तो उसमें कोविड की जांच पूरे देश में चल रही है, उसको तुरंत करा लें। पहली बार कोविड होने पर एक 10 दिन का आइसोलेशन, सैचुएशन देखते रहना, और गंभीर होने पर तुरंत भर्ती होना मेडिकल कॉलेज में या किसी जो अस्पताल में, उसका तुरंत पालन कराया जाए। साथ में और लोगों को ना हुए इसके लिए जो एक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फैली हैं, मास्क लगाना और डिस्टेंसिंग करना। आजकल भीड़ भाड़ वाली एक्टिविटीज़ काफ़ी होने जा रही हैं, इलेक्शन से त्यौहार है, ये सब होता है, तो इनमें ये प्रोटोकॉल जरूर शामिल होना चाहिए इलेक्शंस में स्पेशली, कि ताकि आपको अगर हो जाए मान लो और आप जाँच ना करा सको, कम से कम आप दूसरों को तो ना फैलाएं। इसका बचाव के लिए मास्क और 2 गज की जरूरी बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्मल वायरस को भी रोकती है फैलने से, ट्यूबरक्लोसिस को भी रोकती है, एज वेल एज आपकी ये कोविड और स्वाइन फ्लू इनको भी रोकती है। कई अच्छे इससे प्रिवेंशन हो जाते हैं मास्क से और दूरी से। तो इनका अभी लोग कुछ लापरवाही कर रहे हैं, उनको सलाह है कि वो ऐसा ना करें, दूरी बनाए रखें, कोविड की जाँच टाइम से करा लें ताकि वो आइसोलेशन में जा सकें जल्दी से, और उन पर सरकार थोड़ा आवश्यक ध्यान दे सके या हम लोग आवश्यक ध्यान दें। अगर आप ध्यान नहीं कराएंगे तो निमोनिया हो जाएगा, तो आपको वो केयर शायद ना मिले उतनी, प्रॉपर इलाज ना मिले, जिससे गंभीर रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तो इस उन पर सरकार थोड़ा आवश्यक ध्यान दे सके या हम लोग आवश्यक ध्यान दें। अगर आप ध्यान नहीं कराएंगे तो निमोनिया हो जाएगा, तो आपको वो केयर शायद ना मिले उतनी, प्रॉपर इलाज ना मिले, जिससे गंभीर रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इस क्योंकि बाहर से खाना खाने में कई समस्याएं हैं। पहली बात तो मिलावट, आप जानते हो ये खतरा हमेशा रहता है, कौन सा केमिकल आ जाए, कौन सा उम लाते हैं। दूसरा जो खाने का जो फूड चेन की कोल्ड चेन है, कोल्ड चेन मैंने जहाँ से वो सामान चलता है और जब आपको यूज़ होता है, उस दौरान अगर वो गर्म रहा है तो उसमें ख़राब हो सकता है। अब ये बेचने वाले की ईमानदारी है कि उसको यूज़ करे या फेंक दे, तो ज़्यादातर लालच में लोग ये सस्ते के चक्कर में उसको बर्बाद होने से ना हुए तो उसको यूज़ कर लेती है और वो बाज़ार में बेच देती है, तो वो चीज़ें हमेशा नुकसानदेह हो जाती है। उसमें कई तरह की बैक्टीरिया या फंगस आ जाते हैं, तो वो हमेशा आपको गैस भी बनाएंगी, डायरिया भी करेंगी, हेपेटाइटिस भी करेंगी, जॉइंटिस भी करेंगी, टाइफाइड भी करेंगी, जैसा जो बैक्टीरिया हो वैसा नुकसान देगा आपको। ये समस्या है बाहर खाने में। एक चीज़ ये कि लोग कई बार घर पे लंबे समय तक देखिए 80-90% वो बहुत खतरनाक होता है। कारण ये है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कुछ ना करो तो भी ठीक हो जाती हैं, सेल्फ लिमिटिंग के थ्रू। कुछ बीमारियों में इलाज जरूरत पड़ती है, वो बिगड़ जाती हैं अगर आप गलत इलाज करेंगे, प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे, या उनसे कोई किडनी लीवर खराब हो सकता है आगे जाके, ये दुष्परिणाम होने खतरे बहुत रहती हैं। अज्ञानता का इलाज एक गलत प्रथा है, उसको रोकना चाहिए। कोई भी कम से कम बेसिक MBBS डॉक्टर से या सरकारी अस्पताल में एक राय जरूर लेनी चाहिए उनको, ताकि उन्हें कॉम्प्लिकेशन ना हो।